हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास सेवन्थ की साइंस चैप्टर फोर्थ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे। आपने हमेशा हर दिन जीवन में नींबू, इमली, नमक, चीनी और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग किया होगा। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम इस टेबल में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा हो तो उसे चखिए और परिणामों को इस टेबल में लिखिए। जैसे कि लेमन जूस, ऑरेंज जूस, ये बिटर होता है या कोई और टेस्ट होता है इसका, विनीगर, कर्ड, इमली, सुगर। यहाँ कॉशन दिया गया है, डू नॉट टेस्ट एनी थिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टच एनी थिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। एसिड्स एंड बेसिस। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड यानी कि अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इसमें कोई अम्ल या एसिड नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपने अंगुलियों के बीच रगड़ें तो ये साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे, सोप जैसे लगते हैं, वो क्षारक यानी कि बेसिस कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है, बेसिक। If we cannot taste every substance, how do we find its nature? कोई पदार्थ अम्लीय है और कोई क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक यानी कि इंडिकेटर्स कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। डू यू नो नेम ऑफ एसिड? एसिटिक एसिड, विनीगर यानी कि सिरका, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग, साइट्रिक एसिड, साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स एक्सेट्रा, लैक्टिक एसिड, कर्ड, ऑक्सेलिक एसिड, स्पिनच, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, आमला, साइट्रस फ्रूट्स, टार्ट्रिक एसिड, टमराइंड, ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा। All the acids mentioned above occur in nature. Calcium hydroxide, lime water, ammonium hydroxide, window cleaner, sodium hydroxide या potassium hydroxide, soap, magnesium hydroxide, milk of magnesium, magnesia. Natural indicators around us. Litmus a natural dye. सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो शैक से निष्कर्षित किया जाता है।
आसुत जल में इसका रंग मॉव यानी नील शोड होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये रेड हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। ये विलयन के रूप में या कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पेपर कहते हैं। सामान्यतः ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में उपलब्ध होता है। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट, बूझो बोलता है। पहली बोलती है नो, हैव यू नॉट रीड द कॉशन, वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। एक्टिविटी फर्स्ट, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर और टेस्ट ट्यूब। पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर, इज देयर एनी चेंज इन कलर? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, सुगर सॉल्यूशन, विनीगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर। इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशंस इन डिस्टाइल्ड वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल। इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंसेस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट? नेम दोज सब्सटेंसेस, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन अ टम्बलर एंड सम लाइम यानी चूना इन टू इट, स्टीर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप, दिस इज लाइम वाटर। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। एक्टिविटी सेकेंड, टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर एंड एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड डाइंग इट। कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो ऑब्स्टेन्ड, पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशंस ऑन द स्ट्रिप of turmeric paper. What do you observe? You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of a cotton bud. You will get a beautiful greeting card. Now I understand why a turmeric stain on my white shirt is turned to red. When it is washed with soap, it is because the soap solution is basic. Similarly, taste the solutions listed in table and note down your observations. You may try solutions of other substances also. China rose as indicator. Collect some China rose, means good health, petals and place them in a beaker and some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. Use the colored water as an indicator. Add 5 drops of the indicator to each of the solutions given in table. What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicator turns acidic solutions to dark pink, magenta and basic solutions to green.
आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वैन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर. वाई? मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई. पहली ब्रॉड द फॉलोइंग पहली राइडल फॉर यू. कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट. इज इट एन एसिड और अ बेस? डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट. यू आर इन द डार्क विथ इट्स टेस्ट. एक्टिविटी 4. द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर. आर यू फैमिलियर विद द टीम एसिड रेन? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन. वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली. एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉशन: ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन. डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ the three indicators on each of these solutions. Record your observations. Neutralization. हमने पढ़ा है कि acids नीले litmus को red यानी कि लाल कर देता है और क्षारक रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. आइए अब ये देखें कि जब किसी एसिड को किसी क्षारक यानी बेस में मिलाया जाता है तो क्या होता है. हम उस इंडिकेटर का यूज़ करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है. इसे फिनोफ्थलीन कहते हैं. एक्टिविटी 5. To be demonstrated by the teacher in the class. किसी परख नली यानी किसी टेस्ट ट्यूब के एक चौथाई भाग को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए. Note down its color. Note down the color of phenolphthalein solution also. Add 2-3 drops of the indicator to the acid. Now shake the test tube gently. Do you observe any change in color of the acid? Add to the acidic solution a drop of sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appears. Now add one more drop of dilute hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes colorless. Again add one drop of sodium hydroxide solution. Is there any change in color? The solution again becomes pink in color. It is evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand, when the solution is acidic, it remains colorless. When an acidic solution is mixed
with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. When an acid solution and a base solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. The resulting solution is neither acidic nor basic. Test the test tube immediately after neutralization. What do you observe? In neutralization reaction, heat is always produced or involved. The evolved heat raises the temperature of the reaction mixture. In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called salt. Salt may be acidic, basic, or neutral in nature. Thus, neutralization can be defined as follows. The reaction between an acid and a base is known as neutralization. Salt and water are produced in this process, and water are produced in this process with the evolution of heat. Acid plus base, salt plus water, heat is evolved. The following reaction is an example: HCl hydrochloric acid, sodium hydroxide, NaOH, sodium chloride, water, H2O, Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? Neutralization in everyday life, indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid. It helps us to digest food, as you have learned in chapter 2. ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है. कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है. अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है. ये अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है. एंटीबाइट, जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है. उसके डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है. सॉइल ट्रीटमेंट, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है. यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय हो जाए, एसिडिक या बेसिक हो जाए, तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती. जब मिट्टी अत्यधिक एसिड अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है. यदि मिट्टी क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं. जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मिट्टी में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को कम कर देता है. फैक्ट्री वेस्टेस, अनेक कारखानों के कचरे अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं. यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय और नदियों में बहने दिया जाए तो वो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं. अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों और नदियों में विसर्जित करने से पहले उसके क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उसे कम कर देना चाहिए, उदासीन कर देना चाहिए. What you have learnt? Acids are sour in taste. Generally, bases are bitter in taste and soapy to touch.
अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सामान्यतः छारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, सोपी टू टच। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और छारक लाल लिटमस को नीला कर देता है। सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना क्षारकीय, वो उदासीन कहलाते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में अलग अलग रंग दर्शाते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अ सॉल्ट मे बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवड़ बनाते हैं, यानी कि सॉल्ट। लवड़ अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन प्रकृति के होते हैं।